नमस्कार, मैं प्रिया, धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में गवाह बने आरोपी सचिन वाजे को सीबीआई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि जब तक सुनवाई खत्म नहीं हो जाती है, आरोपी से गवाह बने शख्स को भी हिरासत में रखा जाना चाहिए। स्पेशल जज SH वालानी ने वाजे को याचिका खारिज करते हुए कहा है कि जो शख्स गवाह बन गया है और जिसे माफ भी कर दिया गया है, उस पर भी कुछ शर्तें लागू होती है। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने महाराष्ट्र में निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि श्री हनुमान महिलाओं के सम्मान के रक्षक हैं और राणा के हनुमान चालीसा पाठ ने अंत में लंका में आग लगा ही दी। खास बात यह है कि अप्रैल में राणा दंपति मुख्यमंत्री आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की योजना बना रहे थे। तमिलनाडु में जयललिता को पार्टी AIADMK में घमासान मचा हुआ है। पार्टी की आम परिषद की बैठक में आज अन्नाद्रमुक के समन्वयक और पूर्व उप मुख्यमंत्रियों पनीरसेल्वम पर पानी की बोतलें फेंकी गई हैं। बैठक चेन्नई के वन गरम के श्रीवारू वेंकट चपल्ली पैलेस में हुआ था। बैठक में हंगामा होता देख पनीरसेल्वम अपने समर्थकों के साथ भाग खड़े हुए। राष्ट्रपति पद के लिए होने जा रहे चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू गुरुवार को दिल्ली पहुंच गई। सूत्रों ने बताया है कि संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के आवास पर उनके नामांकन पत्र को तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वरिष्ठ मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा उनके प्रस्तावकों में शामिल होंगे। शिवसेना में राजनीतिक दूरियां बना दी गई हैं, लेकिन नेताओं के बीच संवाद थमा नहीं है। गुरुवार को विधायक एकनाथ शिंदे कैंप ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नाम पर पत्र लिखा है। इस लेटर में उन्होंने अपनी परेशानियों के बारे में बात कही है। उन्होंने शिवसेना सुप्रीमो से कहा है कि वो कभी नेताओं की समस्याएं सुनने के लिए उपलब्ध नहीं रहे। 3 पन्नों के इस पत्र में उन्होंने हाल ही में हुए चुनाव पर भी चर्चा की है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण का ग्राफ फिर ऊपर चढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में देश में संक्रमण के 13,313 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 38 मरीजों की जान गई है। नए आंकड़ों को मिलाकर के देश में COVID-19 संक्रमितों की संख्या 4,33,44,958 पर पहुंच गई है, जबकि 5,24,941 मरीज जान गंवा चुके हैं। फिलहाल देश में 83,990 मरीजों का इलाज जारी है। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सौम्या ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से जुड़ी एक संपत्ति के खिलाफ जनहित याचिका दायर की है। इसके जरिए उन्होंने संपत्ति की जांच की मांग भी की। हालांकि अभी तक इस PIL को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया है। पंजाब में इस साल स्वाइन फ्लू से पहला डेथ केस सामने आया है। लुधियाना में 46 साल के एडवोकेट और भाजपा नेता की H1N1 वायरस की वजह से जान चली गई है। सांस लेने में तकलीफ के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मृतक संदीप कपूर किचलू नगर में रहते थे। वो भाजपा के लीगल और लेजिस्लेटिव सेल के को कन्वेनर थे। 17 जून को उन्हें H1N1 संक्रमित पाया गया। दयानंद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। राष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद एक ट्वीट कर ये जानकारी दी। उन्होंने इस मुलाकात की तस्वीरें साझा की। मोदी ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू जी से मुलाकात की है। राष्ट्रपति पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का देश भर में और समाज के सभी वर्गों द्वारा सराहना की जा रही है। जमीनी समस्याओं के प्रति उनकी समझ और भारत के विकास को लेकर उनकी दृष्टि उत्कृष्ट है। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी में जो विधायक मौजूद है उनकी सबकी एक ग्रुप फोटो और वीडियो सामने आई है। ये सभी विधायक एक साथ बैठकर शिवसेना जिंदाबाद बाला साहेब ठाकरे की जय के नारे लगा रहे हैं। इसमें शिवसेना के बागी विधायकों के साथ निर्दलीय विधायक भी शामिल है। इनकी कुल संख्या 42 है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा, पंजाब के संगरूर लोकसभा की सीट और त्रिपुरा में विधानसभा की 4 सीटों पर गुरुवार को उपचुनाव होंगे। ये उपचुनाव समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के लिए विशेष महत्व रखता है। यूपी में दिखेगा कि अखिलेश यादव की लोकप्रियता बरकरार है या फिर भाजपा सपा को सरप्राइज देती है। इसी तरह से पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान किस हद तक जनता को लुभाते हैं, इसकी भी परीक्षा होनी है। त्रिपुरा में भाजपा ने अपना नेतृत्व बदला था। अब देखना होगा कि वहां के नए मुख्यमंत्री किस हद तक पार्टी हाईकमान की उम्मीदों पर खड़े उतरते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर गुरुवार को उन्हें श्रद्धांजलि दी। मोदी ने कहा कि देश की एकता को और अधिक मजबूत करने की दिशा में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अद्वितीय प्रयासों के लिए प्रत्येक भारतीय उनका ऋणी है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सेना, नौसेना और वायुसेना में गैर अधिकारी रैंकों को शामिल करने के लिए मौलिक रूप से अलग अग्निपथ भर्ती योजना किसी भी तरह से अचानक नहीं आई। इसकी तैयारी पिछले 2 सालों से चल रही थी। 1999 को कारगिल युद्ध के बाद पहली बार भारतीय सैन्य भर्ती नीति में बदलाव का पहला विचार उभरा। इसे कारगिल समिति, अरुण सिंह समिति और शेतकर समिति सहित कई समितियों और
आयोगों में अभिव्यक्त मिली है। कोयला तस्करी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बैनर्जी की पत्नी रुजीरा को तलब किया है। रुजीरा गुरुवार को यहां सॉल्ट लेक के सीजीओ परिसर पहुंची थी। रुजीरा को अपने बच्चों को गोद में लिए सीजीओ कॉम्प्लेक्स में प्रवेश करते देखा गया। केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी लगभग 4 घंटे से उनसे पूछताछ कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रुजीरा को गुरुवार को पेश होने के लिए कहा गया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा और फिर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी को कांग्रेस कार्य समिति का सदस्य बनाया गया है। पार्टी के संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल की तरफ से बृहस्पतिवार को जारी एक बयान के अनुसार उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लुल्लू को कार्य समिति का विशेष आमंत्रण सदस्य और फिर पूर्व केंद्रीय मंत्री टी सुब्बा रामी रेड्डी को स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया देश में कोविड 19 के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर बृहस्पतिवार को विशेषज्ञों की कोर टीम के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करते देखे गए और आधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि भारत में पिछले कुछ हफ्तों में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों में वृद्धि देखी गई है। फिलहाल 10 राज्य महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और गुजरात में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 1000 से अधिक है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गैर लाभकारी संगठन एनजीओ के FCRA लाइसेंस की अवधि 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है। मंत्रालय का यह फैसला उन एनजीओ के लिए प्रभावी है जिनका लाइसेंस खत्म होने वाला है या फिर जिन्होंने उसके नवीनीकरण की अर्जी दी है। हालांकि गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में स्पष्ट किया है कि जिन एनजीओ के लाइसेंस नवीनीकरण की अर्जी रद्द कर दी गई है वो विदेशों से धन प्राप्त नहीं कर सकेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा अपनी वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए बनाए गए संचार उपग्रह GSAT-24 का फ्रेंच गुयाना यानी कि दक्षिण अमेरिका के कोरू में गुरुवार को सफल प्रक्षेपण किया गया। GSAT-24 एक 24 KU बैंड वाला संचार उपग्रह है जिसका वजन 4180 किलोग्राम है। भिलाई स्टील प्लांट के अंदर दुर्घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। बुधवार की रात प्लांट के बार एंड रॉड मिल में आग लग गई थी और आग लगने से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। आग इतनी भीषण थी कि कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद भी आग पर काबू पाया नहीं गया और इस घटना में काम कर रहे कर्मचारियों की जान बाल बाल बची है। इस घटना से सरिया उत्पादन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को ये कहते हुए केंद्र पर निशाना साधा है कि वो प्रवर्तन निदेशालय से प्रभावित नहीं है जिसने नेशनल हेराल्ड मामले में उनकी कथित भूमिका को लेकर उनसे 5 दिनों तक पूछताछ की थी। इसके अलावा राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि भाजपा नीत सरकार नए धोखे से सशस्त्र बलों को कमजोर करने का काम कर रही है। इसके साथ ही कहा है कि सरकार को अग्निपथ भर्ती योजना को वापस लेना होगा और पार्टी देश के भविष्य अर्थात युवाओं को बचाने के लिए आंदोलन के साथ है। आज हरिद्वार में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से 7 राज्यों की जोनल बैठक होने जा रही है। इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में महिला एवं बाल विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। लेकिन इस बैठक में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शिरकत नहीं करेंगी। जम्मू कश्मीर में प्रतिनियुक्त सुरक्षा एजेंसियों ने कम से कम 150 ओवरग्राउंड वर्कर्स OGW की पहचान की है जिन पर अमरनाथ यात्रा से पहले आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने का दुस्साहस करने का संदेह है। 30 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। एक वरिष्ठ खुफिया अधिकारी ने बुधवार को ETV भारत को बताया है कि संदिग्ध OGW जम्मू और श्रीनगर दोनों जगहों पर स्थित है। अधिकारी ने कहा है कि हमने उनकी पृष्ठभूमि एकत्र कर ली है और वो हमारी कड़ी निगरानी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि इस साल भारतीय अर्थव्यवस्था के 7.5% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। ये इसे सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बनाएगी। मोदी ने ब्रिक्स बिजनेस फोरम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकार 2025 तक 1000 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा। देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा JEE मेंस 2022 गुरुवार से शुरू हो गई है। इसके लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 10 पेज की स्टूडेंट एडवाइजरी और सब्जेक्ट स्पेशल इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं जिन्हें स्टूडेंट्स को समझकर एग्जाम देते समय और पहले पालन करना है। केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बुधवार को बंगाल सफारी नॉर्थ बंगाल वाइल्ड एनिमल्स पार्क के निरीक्षण के दौरान 1 साल के बाघ को 1 साल के लिए गोद दिया और उसका नाम अग्निवीर रखा है। पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार मंत्री ने गैंगटॉक से वापस जाते समय बंगाल सफारी का निरीक्षण किया। इस दौरान चौबे ने दत्तक ग्रहण कार्यक्रम के तहत लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए एक बाघ को गोद दिया। भारत की ऑटोमोबाइल सेक्टर में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली कारों की तरफ से लोगों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। ये गाड़ियां मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ियों की तुलना में महंगी होती है। यही वजह है कि पसंद होने के बावजूद लोग इन कारों को नहीं खरीद पाते। अगर आपको भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली किफायती कार की तलाश है तो आप जाके देख सकते हैं। बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र 24 जून से शुरू हो रहा है। इसको लेकर गुरुवार को जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दलों की बैठक शाम में हुई। बैठक में
अध्यक्षता स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। वहीं भाजपा की बैठक का नेतृत्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने किया। राजकुमार राव और सानिया मल्होत्रा की फिल्म हिट द फर्स्ट केस का ट्रेलर आउट हो गया है। 2.5 मिनट का ट्रेलर राजकुमार को होमिसाइड इंटरवेंशन टीम में सर्वश्रेष्ठ पुलिस वाले के रूप में पेश करता है, जिसे एक लापता लड़की का केस दिया जाता है। जांच उसे किनारे पर धकेल देती है क्योंकि वो खुद को अपने पिछले आघात से निपटाता हुआ पाता है। सानिया जो फिल्म में नेहा के किरदार में दिख रही है वो राजकुमार की गर्लफ्रेंड का रोल प्ले करेंगी, लेकिन आखिर में वो गायब हो जाती है। महाराष्ट्र में सियासी खींचतान जारी है। एकनाथ शिंदे के साथ 3 दर्जन से अधिक विधायक अब भी गुवाहाटी में डेरा डाले हुए हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की भावुक अपील के बाद शिवसेना के राज्य सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने बाकी विधायकों से कहा है कि वो मुंबई आकर पार्टी नेतृत्व से बात करें। कपिल शर्मा शो के फैंस को हंसाने और गुदगुदाने में पीछे नहीं हटता है और शो में कई बड़े स्टार्स अपनी फिल्मों के प्रमोशन के लिए भी आते हैं। इस दौरान कपिल और उनकी टीम उनके साथ जमकर मस्ती भी करते हैं। इन दिनों कॉमेडी किंग कृष्णा अभिषेक, कीकू, शारदा, चंदन प्रभाकर और सुमोना चक्रवर्ती के साथ कैनेडा में है, जहाँ वो लाइव शो करेंगे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है मिथिलेश सिंह, अजय कुमार, चांद कुमार, प्रिया यादव, कुश कुमार यादव, नुनू कुमार, मोहम्मद नासिर आलम, रवि चौहान, योगा, चैतन्य, आलोक कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी दल की सरकार गिर जाएगी या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।